क्या, क्या, क्या दिक्कत क्या स्थिति है कि आप नाक खोल नहीं सकते हो, वहाँ नाक खोल नहीं सकते हो, इतनी बदबू आती है, आँख खोल नहीं सकते हो, खोलते ही मच्छर अंदर पड़ता है आँख के अंदर, और खाना खा नहीं सकते हो, अगर भोजन करने बैठते हो तो अंदर गंदगी आके पड़ती है, गंदे मच्छर आके पड़ते हैं। ये स्थिति वास्तविकता, मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रण लिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, मैं भी कैंपेन के लिए वहां गया, एक व्यक्ति वहां दौड़ा हुआ आया, गाड़ी देखी, जब इलेक्शन की गाड़ी देखी दौड़े हुए आए, और उन्होंने कहा भाई साहब आप एक रात यहाँ रात बिता के देखिए आपको स्थिति मालूम हो जाएगी। मैंने कहा मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, मैं आत्मीयता से दिल से, अगर कोई आदमी कहते हैं ना कोई विकट परिस्थिति अगर स्थिति कोई आदमी देखता है ना तो उसको अगर उसकी तरफ अगर नजर जाती है, ध्यान जाता है, तो उसकी आंखों में आंसू बंद नहीं होते हैं। ये स्थिति है, अगर आप उसको एक बार भी, जैसे आप निकलोगे वहां से दो घंटा रुक के आप वहां की स्थिति देखो, तो जब भी उसको याद करोगे, अगर आत्मीयता से याद करोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इन 20 सालों में सरकार ने तो बहुत काम किया ना, हाईवे बना दिया, उस हाईवे को ऊपर कर दिया, उससे डोली वोली गाँव है उसमें तो कुछ हुआ, 20 सालों में क्या कुछ हुआ है? सर मैं कह रहा हूँ कि वो उसमें तो पूरा बालोतरा जिला ही नहीं, पूरा बाड़मेर जिला और आसपास के लोग सारे, जोधपुर लूणी क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ एक कुनबे के रूप में हमारे साथ में जुड़ गए। उन्होंने कहा कि ये इस पीढ़ी की लड़ाई नहीं है, आने वाली कई पीढ़ियों की लड़ाई है, अगर हमने सरकार को नहीं चेताया, रिश्ता निराकरण नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी हमारे को माफ नहीं करेगी। और ये जमीन, जहाँ मैं कहता हूँ कि काजू ये की जो जमीन है, इस जमीन के अंदर आने वाले टाइम में घास भी नहीं उगेगी यहाँ पे, और उगेगी और या अन्न जो हम। अच्छा क्या बाबूलाल जी, क्या स्थिति क्या है, आखिर क्यों आंदोलन करने की जरूरत, क्या लगता है सरकार समाधान नहीं कर पाई तो समाधान होगा कैसे? देखो ऐसा है, ये जोधपुर का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है वैसे वैसे यहाँ की समस्या बढ़ रही है। जोधपुर में सीवरेज लाइन से पहले वहाँ गटर व्यवस्था थी, तो गटर का पानी वहाँ गटर में रहता था, फैक्ट्रियां कम थी, फैक्ट्रियों का केमिकल का पानी वहीं समाजित और धीरे धीरे आता था। जैसे ही जोधपुर का विस्तार हुआ, सरकार के पास कोई प्लान नहीं था, सरकार के पास मास्टर प्लान नहीं था, गटर का पानी सीवरेज में तब्दील हुआ, सीवरेज का पानी के लिए इन्होंने ट्रीटमेंट प्लान की कोई व्यवस्था नहीं की, उसकी वजह से पूरा का पूरा गंदा पानी जोजरी नदी में बह करके ये बालोतरा की तरफ आ रहा है, और फैक्ट्रियों का गंदा पानी, जैसे ही विस्तार हुआ फैक्ट्रियां बढ़ी और पानी की व्यवस्था हुई जोधपुर के अंदर, तो फैक्ट्रियां बढ़ी, फैक्ट्रियों का पानी भी इधर आने लगा। इसका सरकार ने कोई 20 साल पहले उस इन गांवों की क्या स्थिति थी, वहां के किसान कितने खुश थे, कितनी उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, और अब कैसी जिंदगी हो गई? 20 साल पहले जो ये डोली अराबा और इस क्षेत्र की जो जमीन है, इस जमीन के अंदर कहते हैं कि अगर पानी आ जाए, मीठा पानी या खेती योग्य पानी, तो इस जमीन के अंदर काजू पैदा होते हैं, काजू पैदा हो, ऐसी जमीन है, ऐसा ही वो विश्व स्तर पे इस जमीन का सर्वेक्षण करवा दे, ऐसी जमीन है या काजू पैदा होते हैं, और 10 साल बाद में यहाँ घास भी पैदा नहीं होगा। ये स्थिति, ये केमिकल ने, मतलब इतना पानी ने इस जमीन को बंजर बना दिया है, और यहाँ की स्थिति ऐसी है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, मंशा नहीं है। उसका कारण है कि चाहे एनजीटी कहे या कोई भी कहे, लोग जो यहाँ के अधिकारी है, चाहे नेता है, चाहे ऊपर लेवल के अधिकारी है, वो उनको हरा हरा घास दिखता है, चैम्बर में बैठते हैं चारों तरफ हरा ही हरा है, और गाड़ी के अंदर निकलते हैं तो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, और गाड़ी के अंदर जाते हैं तो कांच ऊपर होता है। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि सरकार रात्रि सोपाल या कलेक्टर से लगाकर मंत्री तक, पर्यावरण मंत्री को लगाकर वित्त मंत्री तक, रात्रि सोपाल में एक रात इस रोड़ी में नाइट होल्ट करवा में, क्या होगा, एक रात उनको एहसास हो जाएगा कि यहाँ लोगों का जीना कैसे है, कैसे वो जीते हैं, क्या क्या दिक्कत, क्या स्थिति है कि आप नाक खोल नहीं सकते हो, वहाँ नाक खोल नहीं सकते हो, इतनी बदबू आती है, आँख खोल नहीं सकते हो, खोलते ही मच्छर अंदर पड़ता है आँख के अंदर, और खाना खा नहीं सकते हो, अगर भोजन करने बैठते हो तो अंदर गंदगी आके पड़ती है, गंदे मच्छर आके पड़ते हैं। ये स्थिति वास्तविकता, मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रण लिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, मैं भी कैंपेन के लिए वहां गया, एक व्यक्ति वहां दौड़ा हुआ आया, गाड़ी देखी, जब इलेक्शन की गाड़ी देखी दौड़े हुए आए, और उन्होंने कहा भाई साहब आप एक रात यहाँ रात बिता के देखिए आपको स्थिति मालूम हो जाएगी। मैंने कहा मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, मैं आत्मीयता से दिल से, अगर कोई आदमी कहते हैं ना कोई विकट परिस्थिति अगर स्थिति कोई आदमी देखता है ना, तो उसको अगर उसकी तरफ अगर नजर जाती है, ध्यान जाता है, तो उसकी आंखों में आंसू बंद नहीं होते हैं। ये स्थिति है, अगर आप उसको एक बार भी, जैसे आप निकलोगे वहां से दो घंटा रुक के आप वहां की स्थिति देखो, तो जब भी उसको याद करोगे, अगर आत्मीयता से याद करोगे, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इन 20 सालों में सरकार ने तो बहुत काम किया ना, हाईवे बना दिया, उस हाईवे को ऊपर कर दिया, उससे डोली वोली गाँव है उसमें तो कुछ हुआ, 20 सालों में क्या कुछ हुआ है? सर मैं कह रहा हूँ कि वो उसमें सरकार का जो प्लान है वो चल रहा है, यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति सरकार के ध्यान में गई नहीं, सरकार के ध्यान में गई तो उसकी तरफ उन्होंने पॉजिटिव रुख अपनाया नहीं, कारण कि यहाँ भुगत रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोग,
और हमारी पहुंच वहां तक है नहीं कि हम डायरेक्ट उनको ही यार रात बिताने के लिए बिताएं। हमारे विधायक जो उस समय राज में थे उन्होंने धरने पे बैठे मीडियाबाजी हुई और सरकार ने कहा कि आप सरकार के आदमी हो, आप धरने पे बैठ गए, उनको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित किया तो वो पीछे हट गए। अब आवश्यकता जनता खुद जाग गई है, जनता ने कहा या तो इस पार या इस पार, ये आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो। ये जनता को अब एक्शन लेना पड़ेगा और सरकार को चेतना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं चेती तो पूरा बालोतरा जिला ही नहीं, पूरा बाड़मेर जिला और आसपास के लोग सारे जोधपुर लूणी क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ एक कुनबे के रूप में हमारे साथ में जुड़ गए। उन्होंने कहा कि ये इस पीढ़ी की लड़ाई नहीं है, आने वाली कई पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर हमने सरकार को नहीं चेताया और इसका निराकरण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमारे को माफ नहीं करेगी। और ये जमीन जहाँ मैं कहता हूँ कि काजू की जो जमीन है, इस जमीन के अंदर आने वाले टाइम में घास भी नहीं उगेगी यहाँ पे और उगेगी, और यहाँ अन्न जो हम उगा रहे हैं आज मजबूरी में उगा रहे हैं। तो बारिश तो आती, बारिश होती है तो किसान तो खुश होते हैं, और यहाँ के किसान बारिश आती है तो आज की तारीख में यहाँ के किसानों की जीविकोपार्जन का मात्र और मात्र एक साधन है, वो है खेती और दूसरा है पशुपालन। दोनों चीजें आज की तारीख में पशुपालन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाड़े से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और खेती के लिए एक इंच भी जमीन उनके पास बसी नहीं है। अगर है तो गंदा पानी, और बाहर निकलते हैं तो बदबू आती है, आँख खोलते हैं तो अंदर मच्छर पड़ता है, और भोजन करते हैं तो उस समय मच्छर जाके उस भोजन के अंदर पड़ता है। इसलिए हमारी ये स्थिति हो गई है कि हम यहाँ से या तो प्लान करें या मर मिटने के लिए। कितने गाँव है, कितने परिवार है और कितनी ढाणियां है इस पूरे इलाके से प्रभावित? करीबन 35 गाँव है, 35 गाँव जो इस गंदे पानी से प्रभावित है, ठीक है, इसकी प्रदूषित हवा से प्रभावित है। हाँ। इसके अंदर पनपने वाले मच्छर और जमीन जो प्रदूषित होती है और उसके अंदर मजबूरी में किसान को अनाज पैदा करना होता है, वो अनाज उस गांव के लोग के साथ में उनके रिश्तेदार और कुटुंब के लोग जो बाहर रहते हैं वहां तक वो जो अनाज जाता है तो खाकर वो भी आने वाली बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं। स्थाई समाधान क्या है ये बताइए सर। इसका स्थाई समाधान ये है कि सरकार को इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाकर इस पानी के स्थाई कहीं ना कहीं स्टोरेज करके उस पानी को ट्रीटमेंट करके उस पानी को वापस रिसाइकल के रूप में या तो खेती के लिए काम में ले। केमिकल का पानी तो काम आएगा ही नहीं, ये जो गटर का पानी है इसको आप खेती के लिए रिसाइकल कर सकते हैं या इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर भी उसको काम में ले सकते हैं। और ये सरकार जब मास्टर प्लान बना के इसको तैयार करेगी तो उसके बाद ये संभव है कि ज्यादा इसमें नहीं है, आदमी की जब इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी कर सकता है। ये तो सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। किस सरकार को आपको क्या लगता है, स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है या सेंट्रल की है या दोनों की है? दोनों की है। अच्छा, इसमें दोनों की है, क्योंकि अगर स्टेट के पास बजट नहीं है तो केंद्र उसको बजट दे, और लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जो जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रही है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रही है। पर्यावरण के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हो, इतना पैसा बांटते हो, और यहाँ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रही है, लोगों के जीविकोपार्जन के साथ खिलवाड़ हो रही है। मौलिक अधिकार तो कहीं रहा ही नहीं ना, मौलिक अधिकार के लिए आदमी कहीं भी सुप्रीम कोर्ट तक सुनता है मौलिक अधिकार के रूप में, और यहाँ तो मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। जीविकोपार्जन उनके जीने का अधिकार, रहने का अधिकार ही नहीं है। कितने श्वास कितने होंगे टोटली सर? सर ऑक्सीजन लेने का तो अधिकार है, ये प्रकृति का है। प्रकृति के रूप में उस हवा को भी दूषित किया जा रहा है कि वो भी हमारा अधिकार में नहीं रहा है। उस स्वच्छ जो ऑक्सीजन लेते हैं हम, वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। कितनी फैमिली है, कितने लोग होंगे सर? सर यहाँ करीबन 50,000 लोग हैं इफेक्टेड। 50,000 लोग हैं इफेक्टेड, और लोग प्लान करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कहीं कहीं जाके कहीं शरण लेनी पड़ेगी। ये स्थिति बन गई है, आप एक रात वहाँ गुजार नहीं सकते हो। और मैं तो आपके मार्ग पर आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्काल सरकार कलेक्टर से लगाकर मंत्री लेवल तक उन अधिकारियों को एक रात अराबा डोली के बीच में कहीं भी ऐसे पूरी व्यवस्था करके नहीं, जैसे हम रहते हैं ना वैसी रैंडमली तो वैसी परिस्थिति में वो वहां रहे एक रात, ये तो हमारी गुजारिश है, निवेदन उनसे। उसके बाद रिपोर्ट उनका समझ में आ जाएगी कि यहाँ परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि उनके कांच के बंगले और बाहर हरी हरी धूप लगी हुई है, उनको दिखता नहीं है कि डोली के लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है, उनको पता नहीं। आंखों में आंसू आते हैं, मैं सही बताऊं, दिल से बता रहा हूं आपको, कि आंखों के अंदर आंसू आते हैं, वास्तव में ये लोग रहते कैसे वहां।